नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। WHO के प्रमुख ने मंगलवार को चीन को लेकर सख्त लहजा अपनाते हुए COVID-19 के एक लैब से लीक होने की थ्योरी की जांच आगे बढ़ाने के लिए कहा। WHO पर लंबे समय से चीन के प्रति नरम रवैया अपनाने का आरोप लगता रहा है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने अहम डेटा शेयर नहीं करने पर भी चीन को फटकार लगाई। कोरोना वायरस चीनी शहर वुहान में एक लैब से लीक हुआ है, जहां पर सबसे पहले दिसंबर 2019 में इंसानों में इसका पता चला था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही ये बोलते रहे थे, हालांकि चीन ने इसे सिरे से खारिज किया है। WHO की ओर से इस साल की शुरुआत में कोरोना की उत्पत्ति की जाँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम वुहान गई थी। उन्होंने इससे इनकार किया था। टीम की रिपोर्ट मंगलवार को प्रकाशित की गई, जिसमें 4 हाइपोथेसिस का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि SARS-CoV-2 वायरस, जो COVID-19 बीमारी की वजह से बनता है, एक चमगादड़ से इंसानों में फैला है। इनके दोनों के बीच एक दूसरा जानवर भी माध्यम बना है। इसके साथ ही एक लैब से रिसाव को बेहद असंभावित स्रोत माना गया। टेड्रोस ने यह भी कहा कि टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस के लीक होने, जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था, कि बात कम संभावना वाला अनुमान है, लेकिन इसकी आगे जांच किए जाने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।